खिड़की के 100 एपिसोड पूरे हुए, बहुत एक्साइटेड क्योंकि खिड़की जिस दिन शुरू हुआ था हमको उसी दिन पता था इट्स वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एक्साइटिंग शो है, क्योंकि खिड़की यानी लोगों की कहानियाँ हमने इनवाइट करी थी। अब लोगों की कहानी आई थी, उसमें लोगों को कहानी लिखना नहीं आता है, बराबर अपना एक प्रसंग भेज देते हैं, तो उसमें हमने बहुत अच्छी तरह उसको एपिसोड्स में कन्वर्ट किया था और वो पहले लगा था वक्त था तो अच्छा लग रहा था, आसान लग रहा था, आसान हालांकि कभी नहीं लगा, पर ऐसा था कि हाँ हाँ, जैसे बढ़ता गया हर हफ्ते नया शो नया शो नया शो बनाने के चक्कर में इतना चैलेंजिंग हो गया कि मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि मेरे करियर के इतने शोज़ में ये आज तक का यानी खिचड़ी बनाया, सारा भाई वैसे सारा भाई बनाया, बाबू और बीबी, आर के लक्ष्मण की दुनिया, बड़ी दूर से आए हैं और कितने सारे बड़े बड़े शोज बनाए, पर दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग शो ऑफ माई करियर। देखो कोई भी प्रसंग हम मनाते हैं ना तो हम वो प्रसंग को माहौल में ध्यान में रख के मनाते हैं। अगर हम दिवाली मनाते हैं पर अगर हमारे बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है तो हमारी दिवाली लो की होती है और हम ये चाहेंगे कि भाई हम पटाखों में और उस चीज़ों में खर्चा ना करें पर कुछ गिफ्ट या कुछ ऐसा ले और देशभक्ति का एक हमारा जो नारा होना चाहिए उसको साथ में लेकर चले। अगर हमारी कंट्री वर्ल्ड कप जीतती है तो लिए दिए बगैर क्रिकेट आता नहीं आता है, हम सेलिब्रेट करते हैं उसमें साथ, अगर हमारा कोई प्रसंग जुड़ जाता है तो हम उसको अलग कर, तो देश के माहौल से हमारी ज़्यादातर सेलिब्रेशन जुड़ी हुई होती है। अब ये माहौल है देश में कि कैश क्रंच चल रहा है, लोगों के पास जीवन जरूरियात की चीज़ें खरीदने का पैसा हाथ में या जेब में नहीं है, बैंक में सबके पास है, कुछ लोगों का पैसा 500 और 1000 की नोट में सेव्ड है जो बैंक में जाके रखेंगे, लाइन इतनी है कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो जो हमारा एक जीवन चलता था 500, 100, 1000 की नोट पे, वो सडनली कुछ ब्लॉक्स के साथ चल रहा है, बहुत बड़े स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं। तो हमको लगा कि बेस्ट थिंग इज़ हमारे वर्कर काम पे भी आते हैं और हम उनकी भी चीज़ें देखें, उनकी सुविधाएं देखें, तो जीवन जरूरत की चीज़ों का गिफ्ट हैम्पर बना के उनको देना वो हमको सबसे अच्छा लगा, ताकि उसका एक बड़ा थॉट उसके पीछे ये है कि अगर हम ये करते हैं और हमसे इंस्पायर होकर बहुत सारे लोग ये करते हैं, कुछ कंपनियां ये करती हैं, तो जो वर्कर लेवल के लोग हैं जिन पे ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड कितना होता है नहीं होता है मुझे पता नहीं, बड़े बड़े चेक्स ड्रॉ नहीं कर सकती है, तो मॉल में जाने का वक्त नहीं है, जहाँ क्रेडिट कार्ड चलता है ग्रॉसरी पे, अनाज पे, सब्जियों पे, तो ये अगर मोमेंट पकड़ता है, ये बात मोमेंट पकड़ती है, तो काफ़ी लोग आप बैंक की लाइन में भी कम दिखेंगे और जो स्टोर्स में चीज़ें पड़ी है वो कंज्यूम भी होगी तो बिगड़ेगी भी नहीं और उनका भी धंधा बढ़ेगा, तो सब ये साइकिल है, इसलिए हमने सोच के ये आइडिया किया। खिड़की में नया देखिए अभी तो बहुत अच्छी चीज़ स्टोरी है, बाय द वे खिड़की आज रात से मंगलवार रात से 10 बजे आएगा, अब तक 9:30 बजे आया था, अभी 9:30 बजे त्रिदेवी आ रहा है, उसके बाद 10 बजे खिड़की खुलेगी, कुछ दिनों तक ही है, देख लीजिए, बहुत मज़ेदार प्रोग्राम है और हम आपको इसी तरह लोगों की खिड़की में झांकने को कह रहे हैं। देखिए आसपास की खिड़की में अगर किसी को मुसीबत है तो ये वक्त है लोगों के पास खड़े रहने का, उनकी खिड़की में झांक के ये कहने का कि कोई हेल्प चाहिए भाई, आपके मुंह पे भी स्माइल आएगा और उनकी शक्ल पे भी स्माइल आएगा, और खिड़की हमारा काम ही है कि आपको हम थोड़ी सी मुस्कुराहट ला कर दें। खिड़की मुझे लगा हो गया, मैं मोदी साहब ने जो कदम उठाया है उसके पीछे की जो सोच है कंप्लीटली करप्शन फ्री कंट्री, मैं खुश, बहुत खुश नहीं, बहुत 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 खुश हूँ, क्योंकि हम बचपन से सब देखते हैं सोचते हैं और करते भी हैं करप्शन, हमने क्या किसी को नहीं खिलाया ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के पैसा, या कैसी ऐसी चीज़ होगी जो कई छोटी छोटी चीज़ें हमको पता भी नहीं चली होगी और हमने करप्शन कर लिया होगा, हमारी सिस्टम में करप्शन, हमारे दिमाग में करप्शन है, हमारे बच्चे का एडमिशन होगा और दूसरे का बच्चा डिजर्विंग होगा तो भी हम क्या बोलेंगे, अरे यार मेरे बच्चे का कर दो यार, हम इतने करप्ट लोग हैं पूरा दिन, तो इन चीज़ों से अगर आप सोचो तो उन्होंने करप्शन फ्री कंट्री की बात कही है, तो हम सबको थोड़ा बदलना है, सबको थोड़ा अच्छा होना है, बेहतर इंसान होना है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक मौका मिला है
कि मैं जितना अच्छा मैं अच्छा ही हूँ, इतना बुरा इंसान भी नहीं इतना बोलता हूँ, तो ये तो लोगों को बुरा नहीं लगे इसलिए बोल रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा सोचता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से मुझे एक मौका मिला है बेहतर होने का, तो मेरा कुछ तो जो स्टेप है वैसे ही रहेंगे जिससे मैं उनके इस कार्य में सपोर्ट करूँ। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ मोदी साहब।